लीजिए कि ईरान ने अब सबसे बड़े युद्ध की तैयारी कर ली है। ईरान ने अमेरिका को लास्ट वार्निंग दे दी है, अब इजराइल की जंग और ज्यादा भड़क जाएगी। इजराइल और हमास जंग के बीच इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना पर हमले अब बढ़ गए, और ये भी आपको बताएं कि ये जो दावा है ये खुद अमेरिका की तरफ से किया गया है। ये ऑर्गेनाइजेशन इराक की है जो अभी फिलहाल हम आपको बता रहे हैं। इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर बार बार हमले हो रहे हैं, और अब यही कहा जा रहा है क्योंकि इराक भी अब इस पे कूद चुका है, गाजा इजराइल कैसे पहले से ही युद्ध में है, तो इन सब के बाद अब मुसीबत न सिर्फ इन देशों की बल्कि पूरे विश्व की बढ़ने वाली है। इराक में ईरान के समर्थक लड़ाकों ने अमेरिका को आखिरी चेतावनी दे दी है, और इसी के साथ अमेरिकी सेना को इराक खाली करने के लिए भी कह दिया गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर भारी अंजाम भुगतने की चेतावनी अमेरिकी सेना के लिए जारी की गई है, और इस चेतावनी में इराक में अमेरिकी सेना पहले ही ईरान समर्थित लड़ाकों के निशाने पर आ चुकी है। और किस तरह से अब अमेरिका जो कि इजराइल को समर्थन देता हुआ शुरू से ही दिखाई दे रहा था, अब कैसे उसके सैनिक भी मुसीबत में फंसे हुए, और कैसे ईरान की तरफ से भी ये पूरा जो चक्रव्यूह है वो रच दिया गया है, उसकी एक वानगी, उसकी एक तस्वीर फिलहाल ये इस वक्त आपके सामने है। और खासकर जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी अब इस युद्ध में धीरे धीरे और शामिल होती जा रही है। गाजा को मदद पहुंचाने के लिए रफा क्रॉसिंग को खोला गया, गाजा से मिस्र को जोड़ता है रफा क्रॉसिंग। मिस्र के अधिकार वाले रफा क्रॉसिंग को पार कर मिस्र से गाजा में ट्रकों की एंट्री शुरू, खाने और मेडिकल सामानों की हो रही है सप्लाई, अब गाजा के नागरिकों के लिए पहुंचेगी मदद। दक्षिणी इसराइल में सैकड़ों टैंक और जवानों के बीच गाजा बॉर्डर पर बड़ी हलचल, कभी भी शुरू हो सकता है हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन। उत्तरी गाजा में सुबह से लगातार हो रहे हैं हमले, हमास के ठिकानों पर आईडीएफ की तरफ से की गई बमबारी, कई रिहायशी बिल्डिंग तबाह। इसराइल ने जॉर्डन और मिस्र से अपने नागरिकों को वापस बुलाया, हमास से जंग के बीच दुनिया भर में इजरायली लोगों ने आतंकी हमले का खतरा जताया। गाजा में हमास के साथ लेबनान में हिजबुल्ला की कमर तोड़ने में जुटी इजरायली सेना, दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर इसराइल ने किए हवाई हमले, हिजबुल्ला के सैन्य ठिकाने हुए बर्बाद। गाजा में इजरायली सेना ने रात भर हमास के ठिकानों पर अटैक किया, एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पैड समेत कमांड सेंटर को बनाया निशाना। युद्ध के 15वें दिन भी इसराइल ने गाजा पर ताबड़तोड़ हमले किए, हमले में करीब 30 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया। कतर की मध्यस्थता के बाद हमास ने दो अमेरिकी बंधकों को किया रिहा, इसराइल पर हमले के बाद 7 अक्टूबर को अमेरिकी मां बेटी को बनाया गया था बंधक। हमास की तरफ से रिहा करने के बाद दोनों अमेरिकी नागरिक इसराइल पहुंची, अमेरिकी राष्ट्रपति ने शिकागो की रहने वाली मां बेटी से फोन पर की बात, 10 अमेरिकी बंधक अब भी हमास के कब्जे में। दो अमेरिकी नागरिकों की रिहाई पर बाइडन ने कहा उन्होंने 14 दिनों तक एक भयानक स्थिति का किया सामना, दोनों के अपने परिवार से जल्द मिलने की कही बात। अमेरिका के दो नागरिकों की रिहाई के बाद इसराइल